डॉक्टर प्रदीप महेश्वरी और आज मैं आपको सीटी स्कैन के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं ये सीटी स्कैन की मशीन है। इसके अंदर पेशेंट्स के रिलेटेड हम जो भी पेशेंट्स के रिलेटेड जो भी स्कैन होते हैं पेशेंट्स को लेते हैं। दिस इज़ द ये चीज़ है जहाँ पे पेशेंट सुलाते हैं एंड या इस ये सब बटन्स हैं जिससे हम पेशेंट्स को पोजीशन एंड बीम पोजीशन, इससे बीम पोजीशन आती है उस हिसाब से हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं। इस मशीन के अंदर ट्यूब होती है जिससे हमारा एक्सरे बीम्स निकलते हैं। उस एक्सरे बीम से जो भी पोजीशन जैसे चेस्ट की है, एब्डोमेन की है, उस हिसाब से उनको सेंटरिंग करके फिर लेते हैं पेशेंट्स को। जैसे अगर एडल्ट पेशेंट्स हो और पीडियाटिक पेशेंट्स है उस हिसाब से उनकी एक्सरेज की रेडिएशन कम या ज़्यादा करते हैं। दिस इज़ द लीड एप्रन। ये लीड एप्रन है अगर किसी जैसे कोई फीमेल पेशेंट हो जिनका सिर्फ एब्डोमेन का पेशेंट करना है तो व्हाट वी डू इज़ कि हम उनका पेल्विस कवर कर लेते हैं जैसे उनको रेडिएशन ना लगे, या अगर कोई रिलेटिव उनके साथ खड़ा है उनको अंदर रहना है तो उनको हम पहना देते हैं कि उनको रेडिएशन ना लगे। प्रदीप जी इनको ठीक से बताएंगे खोल के कि ये लीड एप्रन कैसे बंद होता जी, है और इसे कैसे पहनते हैं। जी ये लीड एप्रन हम फ्रंट से ऐसे पहनते हैं और ऐसे इससे हमको आगे का जो मेन पोर्शन है जो प्रोटेक्ट करना है छाती का पार्ट और एब्डोमेन का पार्ट वो प्रोटेक्ट हो जाता है। अच्छा ये हमें किससे बचाता है? ये हमें रेडिएशन जो सेकेंडरी रेडिएशन आएंगे उससे बचाता है। दिस इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर के जैसे अगर रिलेटिव जो खड़े हैं उनको लेकिन अंदर खड़े रहना जैसे पीडियाटिक या ओल्ड एज के पेशेंट्स हों जिनको सहायता के लिए चाहिए तो उनको बचाता है, या तो कोई फीमेल पेशेंट्स हो या एडल्ट पीडियाटिक पेशेंट हो जिनको जो भाग है उसी पे रेडिएशन जाना है बाकी सब चीज़ों पे बचा देता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका चेस्ट का सीटी स्कैन करना है जी और अगर आपको पेट या तो सर का भाग रेडिएशन से बचाना है तो इसको भी कवर हम उस पार्ट को कवर कर लेते हैं इससे। अच्छा उसको इस लीड एप्रन से आप कवर कर लेते हो ताकि उस पर रेडिएशन ना जाए। रेडिएशन बिल्कुल नहीं जाएगा इसके थ्रू। आप तो सीटी स्कैन जब करते हो तो उसकी शुरुआत में आप कैसे शुरू करते हो इसको? ओके जब हम सीटी स्कैन करते हैं पेशेंट को हम इस बेड पे सुला देते हैं, पेशेंट को समझाते हैं पहले तो क्योंकि पेशेंट्स बहुत क्लास्ट्रोफोबिक होते हैं, वो डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कुछ मतलब आवाज़ आती है वो सब चीज़ें आती हैं, तो उनको पहले समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा एंड बिकॉज सीटी स्कैन बहुत ही फास्ट है एक दो मिनट में हो जाता है पूरा स्कैन, तो उनको हम समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा एंड हम सामने से देखते रहते हैं पीछे मशीन के पीछे लाउड स्पीकर है जिसमें हम सामने से हम बात कर सकते हैं, ठीक है तो अगर कुछ दिक्कत होती है तो हमसे बात कर सकते हैं। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सीटी स्कैन के सामने का जो पार्ट है ये उनकी विंडो है, यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और ये यहाँ से पेशेंट्स को सीटी स्कैन होते हुए देखते हैं और अगर कुछ भी इनको इंस्ट्रक्शन देनी हो तो ये लोग वहाँ से इस सिटी स्कैन रूम के में रखे हुए जो लाउड स्पीकर है उससे उनसे बात कर लेते हैं ताकि वो काम रहे, क्योंकि ये एक बंद रूम है और कई लोगों को इस बंद रूम में इस जो गोल है इसके अंदर जाने में कभी कभी डर लगता है, तो ये ना लगे तो उसको इंस्ट्रक्शन यहाँ से दे सकते हैं। पेशेंट मरीज को ये इस बेड के ऊपर सुलाते हैं और ये बेड पर सुलाने के बाद ये बेड अपने आप में मूव होता है और ये जो गोल है रबर इनसे क्या कहते हैं? सर इसको गैंट्री कहते हैं। गैंट्री कहते हैं। इसके अंदर ट्यूब्स एंड एवरीथिंग है तो उससे एक्सरे बीम निकलते हैं। अच्छा ये जो ट्यूब होती है उसके अंदर एक्सरे से निकलते हैं जी, और एक्सरे के बीम जब पेशेंट्स का ये जो बेड अपने गैंट्री के अंदर जाता है तब ये एक्सरे के बीम उसके ऊपर फायर करते हैं जी, और जो इमेजेस बनते हैं वो डायरेक्टली हमारे सिस्टम में फिर आ जाते हैं। अच्छा तो ये कंप्यूटर मतलब सीटी स्कैन का मतलब है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी जी, मतलब कि ये एक प्रकार का मॉडर्नाइज एक्सरेज है जिसमें बेटर पेनिट्रेशन है एंड बेटर स्ट्रक्चरल अपने को पता चलता है। और ये सब हम इमेजेस जो हम लेते हैं उसको हम कंप्यूटराइज सिस्टम में डाल देते हैं जी जी, और उसको बहुत छोटे छोटे सेक्शन में उसको देख के एक उसका पूरा रिजल्ट निकालते हैं, 3D रिजल्ट्स निकलते हैं पूरे। ओके
अच्छा गुड, तो हम 2D और 3D दोनों देख सकते हैं। तो इसे हमारा जो कोई भी बीमारी है किसी भी सिस्टम की शरीर के अंदर, उसको हम अच्छी तरह से उसको हम एनालाइज कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से उसका डायग्नोसिस भी डायग्नोसिस देते हैं। थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू।